हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी का रनवे पर। आज के इस वीडियो में हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग करना सीखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या है और यहाँ पर छोटी संख्या है। वैसे जब हम नॉर्मल तरीके से भाग करते हैं तो भाज्य बड़ा होता है और भाजक छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जिसमें हम भाग दे रहे हैं वही नंबर छोटा है। यदि हम 7 × 7 भी कर दें तो एक बारी में भी ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसके लिए एक नियम होता है। सबसे पहले आप यहाँ 0 पॉइंट लगा दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आप 3 के आगे आवश्यकता अनुसार 0 लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 0 लगा लेंगे। तो अब ये हो गया 30। अब जो है 7 का भाग 30 में आसानी से चला जाएगा। तो पहाड़ पढ़ लीजिए, 7 × 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28। कितनी बार में जाएगा? 4 बारी में। तो यहाँ आप 4 लिख लीजिए और यहाँ पे 28 लिख लीजिए। अब इसे घटा लीजिए तो 10 में 60 गया 2, यहाँ आ गया 2। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर दशमलव लगाया है, इसलिए यहाँ आवश्यकता अनुसार 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने 1 0 और उतार लिया। तो अब ये हो गया 20। अब फिर से जो है 7 का पहाड़ा 20 बारी में पढ़ेंगे। तो 7 × 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21। 3 बारी में ज्यादा हो रहा है, इसलिए 2 बारी में ले जाएंगे। तो 7 × 2 = 14, तो इसे घटा लीजिए। 10 में 4 गया 6 हो गया। अब फिर से क्या करेंगे हम, 1 0 और उतार लेंगे। तो ये हो गया 60। फिर से जो है 7 का पहाड़ा 60 बारी में पढ़ेंगे। तो 7 × 6 = 42, 7 × 3 = 49, 7 × 8 = 56। 7 × 9 = 63 में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 8 बारी में ले जाएंगे। तो 7 × 8 = 56। अब इसे घटा लीजिए तो 10 में 6 गया 4, यहाँ आ गया 4। देखिए दोस्तों, आप ऐसे भाग करते जाएंगे और यहाँ पर कोई ना कोई नंबर रिपीट होता जाएगा। तो हम दशमलव के बाद मैक्सिमम 3 अंकों तक भाग ले जाते हैं, जो कि हो गया है। तो आप यहीं पर आप छोड़ सकते हैं। दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका सारा डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमें 12 भागे 3 करना है। तो 3 छोटा है, 12 से भाग जाएगा नहीं, इसलिए नियम के अनुसार सबसे पहले हम यहाँ पर 0 पॉइंट लगा लेंगे। तो आवश्यकता अनुसार हम 3 के आगे 0 लगा सकते हैं। तो हम यहाँ 1 0 लगा लेते हैं। अब ये हो गया 30। तो आसानी से 12 का भाग 30 में चला जाएगा। तो पहाड़ा पढ़ लीजिए, 12 × 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36 ज्यादा हो रहा है, इसलिए 2 बारी में ले जाइए। तो यहाँ 2 लिख लीजिए, तो 12 × 2 = 24। अब इसे क्या करिए, घटा लीजिए। तो 10 में 4 गया 6 आ गया। अब क्या करना है, तो दशमलव आपने यहाँ लगाया है तो यहाँ पर आप 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया 60। फिर से 12 का पहाड़ा 60 में पढ़ लीजिए। तो 12 × 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, यानी कि कितनी बार में जाएगा, 5 बारी में जाएगा। तो यहाँ पर आप 5 लिख लीजिए, यहाँ 60 लिख लीजिए। तो ये क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग करना बहुत ही आसानी से सीख लिया। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।